एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू द इजीएस्ट इंग्लिश लर्निंग सोर्स हिंद खोज एंड आई एम पिशिता बैक अगेन विद यू एंड वो भी लाइव। तो आज गाइज हम देखने वाले हैं कि हम फोन पे जब बात करते हैं तो क्या क्या चीजें ऐसी होती हैं और उस सिनेरियो में हम क्या बोलेंगे। फोन पे तो आप सब बात करते होंगे, आजकल व्हाट्सएप वगैरह ज्यादा चल रहा है, बट कॉलिंग कई बार चलता है लोगों का क्योंकि अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से तो आप बात करते ही होंगे, या जो दूर रहते हैं अपने घर से वो अपने मम्मी पापा से भी बात करते हैं और फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स से भी। तो गाइज फोन पे बात करते वक्त कुछ ऐसा होता है सिनेरियो, जैसे आप देख सकते हैं लोग कुछ बहुत तेज तेज बोलते हैं और कुछ लोग बहुत धीमे धीमे बोलते हैं। सो उस सिनेरियो में हम क्या कहते हैं उनको, रिपीट कहने को या फिर आपकी बात समझ नहीं आई? So, ऐसे ही कुछ छोटे छोटे सिनेरियो आज हम देखेंगे और जानेंगे कि वहां इंग्लिश में हम वो चीजें कैसे बोलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले देखिए मैंने लिखा है रेट ऑफ स्पीच, यानी स्पीड, जिस स्पीड से आप बात करते हैं। अब मान लीजिए मैं आपसे फोन पे बात कर रही हूँ और मैंने कहा हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब, क्या आप सब ठीक हैं, बहुत फास्ट अगर बोलूं तो हो सकता है कुछ बातें आप मेरी भूल जाएं और कुछ ही बातें आपकी दिमाग में रहें। सो यहाँ देखिए मैंने लिखा है इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस जो आप बोल सकते हैं। कई बार फोन आता है कंपनी से जो एड जो एडवर्टीजमेंट करते हैं या फिर कुछ लोन्स लेने के लिए भी फोन करते हैं, तो आपको याद होगा अगर लोन के लिए आपके पास फोन आया होगा तो कई बार बहुत रोबोटिक साउंड करते हैं लोग और समझ ही नहीं आता कि उन्होंने क्या बोला, और कई बार बहुत फास्ट भी बोलते हैं। अगर इम्पोर्टेंट है तो आप ऐसे उनसे पूछ सकते हैं, आई एम स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, मुझे परेशानी हो रही है आपकी बात समझने में। जब भी ऐसा कोई सेंटेंस आप बोलना चाहें तो उन्हें इंग्लिश में जरूर बोलिएगा आई एम स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज आई कांट अंडरस्टैंड वॉट यू आर सेइंग, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं, राइट? देन कुछ लोग बोलते हैं ऐसे पता नहीं, समझ ही नहीं आता वो क्या बात कह गए और हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं आता, तो वहां पे आई एम सॉरी आई डिडंट क्वाइट कैच दैट। सो आई एम सॉरी आई डिडंट क्वाइट कैच दैट का मतलब है सॉरी मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, या शायद मुझे आपने क्या बोला वो कुछ भी समझ नहीं आया। तो ऐसा जब भी कहना हो तो आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहां तो हो गया कि आपने बोला कि मुझे बात नहीं समझ आई, तो क्या कहेंगे हम नेक्स्ट स्टेप, रिपीट करने को कहते हैं। सो रिपीट हम ऐसे कह सकते हैं सॉरी वुड यू माइंड रिपीटिंग दैट, सॉरी क्या आप इसे प्लीज फिर से बोल सकते हैं। तो उस सेंटेंस इस सेंटेंस को पोलाइटली आप यहां रख सकते हैं इंग्लिश में, सॉरी वुड यू माइंड रिपीटिंग दैट। देन है कुड यू से दैट अगेन, क्या आप ये फिर से बोल सकते हैं। Could you say that again? आप ऐसा फोन पे बोलते हैं ना कि फिर से बोलना, तो आप वहां ये सेंटेंसेस इंग्लिश में यूज करिएगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, वॉल्यूम पे बात हो रही है। अब कुछ लोग चूहों की तरह सी सी बोलते हैं, जैसे चूहे आवाज निकालते हैं ना, आपने छोटे 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 आवाज आते हैं उनके, एकदम दूर से लगेगा कहीं से बोल रहे हैं और धीरे से बोलते हैं, तो वहां कुछ लोग फोन पर भी ऐसे ही बात करते हैं धीमे धीमे बिल्कुल, तो वैसे में वॉल्यूम तेज करने के लिए हम कैसे बोलेंगे। Could you speak a bit louder? क्या आप थोड़ा जोर से बोल सकते हैं, जोर से यानी वॉल्यूम को अप करिए। Could you speak a bit louder? नेक्स्ट सेंटेंस है सॉरी what did you say? अब यहां आपने वॉल्यूम अप करने के लिए दूसरे वे में कहा, डायरेक्ट नहीं बोलकर आपने कहा आपने क्या कहा। सो ये रिपीट में भी आप यूज कर सकते हैं सॉरी आपने क्या कहा। नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज स्पीक अलाउड आई कांट हियर यू। नाउ प्लीज स्पीक अलाउड यानी प्लीज थोड़ा ऊंचे बोलिए, जोर से बोलिए, आई कांट हियर यू मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा या मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। उस सिनेरियो में आप ये सेंटेंसेस बोल सकते हैं। गाइस ये थे जो हम टेलीफोन पे बात करते हैं, बट कुछ टेलीफोन एटिकेट्स भी होते हैं। अब आपको मैं कुछ टिप बताती हूँ जो आप यूज कर सकते हैं जब आप नेक्स्ट टाइम फोन पर किसी से भी बात करें। सबसे पहला तो फोन पे बात करते वक्त आप एक स्माइल रखिएगा अपने फेस पे, देखिएगा टोन में कितना डिफरेंस आता है।
कभी किसी ने फोन पर गुस्से में बात किया है आपसे तो आपको उसका चेहरा आपकी नजर के सामने जरूर आया था होगा, भले ही वो आपके सामने ना हो। इमेजिनेशन आती है ना कि ओ उसका चेहरा अभी ऐसे सड़ा हुआ होगा। सो गाइज अगर आप स्माइल करके बात करेंगे, सो इफ यू आर वर्किंग इन सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री में लोग अक्सर क्लाइंट से बात करते हैं, वहां आप हमेशा कोशिश करिए कि आपके चेहरे पे एक स्माइल हो और तब आप फोन पे बात करें। देखिएगा टोन में और लैंग्वेज में कितना ज्यादा आर्ट आ जाएगा। तो ये था गाइज आज का टिप जो आपके टेलीफोन एटिकेट से रिलेटेड था। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ। 18 सितंबर से डेट याद रखिएगा, 18 सितंबर से हमारा लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है, वो भी एलिमेंट्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स। आप सबने हमसे कहा था ना कमेंट्स में कि आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए ही ये कोर्स हमने बनाया है जो 18 सितंबर से होगा स्टार्ट। और मैं आपको सिखाऊंगी कि हम कैसे इंग्लिश में डिफरेंट डिफरेंट सीन्स में बात करते हैं। साथ ही आप ये व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे 8448483122 या लास्ट में आप 21 कर सकते हैं। और इन दोनों नंबर्स पे आप हमें व्हाट्सएप और कॉल करके कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड हमें जरूर बताइए। और ये पूरा कोर्स आपके लिए सिर्फ 999 रुपए में है गाइस। और जल्दी से सीट बुक करिए क्योंकि वेंसडे ज्यादा दूर नहीं है, आज है फ्राइडे, सो आपके पास बहुत कम समय है, जल्दी से इसमें रजिस्टर करिए। और आशा करती हूँ आप मुझे वहां भी जरूर मिलेंगे जैसे आप अभी मुझे दिख रहे हैं। थैंक यू गाइज। और एक और इसमें आपके लिए फ्री है सब्सक्रिप्शन, जो कि नमस्ते इंग्लिश का सब्सक्रिप्शन 6 मंथ्स का फ्री है और हिंद खोज का 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री है आपके लिए। तो जल्दी से इस बेनिफिट का भी फायदा उठाइए और सीट बुक करिए। थैंक यू सो मच गाइज। आई होप यू लाइक दिस स्मॉल टिप वीडियो रिलेटेड टू टॉकिंग ऑन द फोन। स्टे ट्यून्ड विद मी and stay connected. Take care and happy learning.